डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस, इंडिया बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक नीट। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। एनरोल नाउ इन सैयद बायोलॉजिकल क्लासेस। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248। सत्रह मई को परभनी शहर के अपना कॉर्नर यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जो गुज़िश्ता दिनों में ये मसला काफ़ी गरमाया हुआ है और एक के बाद एक मुसलमानों के जो धार्मिक स्थल है उनको निशाना बनाया जा रहा है और ये सब एक सोची समझी साजिश है, साजिश के तहत किया जा रहा है। उस गुज़िश्ता दिनों में जो निर्णय लिया गया है, मस्जिद परिसर को, हाउस को, जो वज़ू खाने को सील किया गया है, उसके निषेध में अब देश भर में आंदोलन शुरू हो चुके हैं। परभनी में भी SDPI की जानिब से आंदोलन हुआ है, जिसमें परभनी SDPI के डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हमारे साथ इनामदार साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो आज आपने यहाँ पर आंदोलन किया है, ये आंदोलन से क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या पूरा मैटर क्या है, क्या कहेंगे? इस आंदोलन से हम ये मैसेज देना चाहेंगे, SDPI पूरे इंडिया के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर ये देशव्यापी आंदोलन कर रही है, उसी का एक हिस्सा हम परभनी के अंदर आज प्रोटेस्ट के जरिए हम बताना चाह रहे हैं। देखो, ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला है कि एक वजू खाने को बताया गया कि वहाँ पर शिवलिंग एक प्रोपेगेंडा चला गया, तब के अदालत ने ऐसा कुछ कहा नहीं, सिर्फ अदालत ने ये कहा कि उस हिस्से को अब सील किया जाए, उसके अंदर अब उसके बाद में कोई और इंक्वायरी होगी और कोई कमीशन बैठेगा, शायद उनको इशू होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास की जो हमारे इंडिया की जो मीडिया है उसके अंदर ये प्रोपेगेंडा चलाया गया है कि उसके अंदर एक शिवलिंग मिला है, कि कोई एक मीडिया बता रही है एक 4 फीट का है, कोई 8 फीट का है, तो ये गलत तरीके से एक प्रोपेगेंडा चला के पूरे मुल्क के अमन को ख़राब करना है और पूरे एक वोट बैंक की राजनीति की जा रही है और असल मुद्दों से भटका कर एक हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद के इशू को सामने लाकर असल मुद्दों को दबाया जा रहा है, जो कि एक महंगाई की ज़माने की महंगाई को लेकर भी है और बेरोज़गारी को भी लेकर है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको सबको पता ही है कि हमारे मुल्क का किस तरह चल रहा है और महंगाई इधर भी आपको पता है, हम मीडिया पे देखते हैं। ये आंदोलन आज आपने यहाँ पर किया, कौन कौन थे इसमें आपके SDPI के? सभी थे SDPI के, पूरे वर्किंग कमेटी मेंबर थे हमारे, पूरे 7 के 7 लोग हम यहाँ पर थे, मौजूद थे, उसी के साथ परभनी के अंदर भी हुआ है और पूरे मुल्क के अंदर हमने देशव्यापी आंदोलन कराया है SDPI के बैनर के अंदर। जी, आगे भी ऐसे आंदोलन, आगे भी ऐसे अगर से मुसलमानों के और किसी भी और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अगर से केसेस ऐसे कोई प्रोपेगेंडा चलता है तो उसको भी हम इसके ऊपर खिलाफ ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आप लोगों को आना होगा, नौजवानों से मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि अपने आप को ऐसी तहरीकों से, ऐसी तंजीमों से जोड़े जो हक और इंसाफ की बात के लिए सफे अव्वल में खड़ी रहे। रात में 12 बजे मालेगांव के अंदर प्रोटेस्ट होता है SDPI के अंदर, किस लिए? रात में 12 बजे कोई टाइम है प्रोटेस्ट की? नहीं, जब मुझे दर्द हुआ मैंने रोड पे आके अपने एहतजाज को दर्ज कराया, यही संवैधानिक हक है, इंतजार करने की क्या जरूरत है? हम भी जो है ऐसे चीजों के लिए आगे आए, और अगर कोई जज्बाती तौर पे किसी को कोई भड़काता है, इसीलिए तरबियत की जरूरत है, भड़कने की जरूरत नहीं, सिस्टम से काम करें, संविधान है उसके एतबार से काम करें, हम अपना हक लेकर रहेंगे, हम अपनी चीज मनवा कर रहेंगे, संविधान को हम बचा कर रहेंगे, इस मुल्क के अंदर हर एक को बराबरी के हकूक और भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी दिलाने के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद करते रहेंगे, करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब के आने को कबूल करे। मैं यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मस्जिद टारगेट बना के अगर मेरी समाज को मारने का ख्याल है तो हम विनती करते हैं कि मस्जिद को टारगेट मत बनाओ, मेरी कौम मरने को तैयार है, बुला लो तुम्हारी फौज और बुला लो हमारी कौम के नौजवानों को, हम मरने को तैयार हैं। लेकिन कोर्ट के जरिए
नीचे की कोर्ट के जरिए, समाज दुश्मनों के जरिए और पता नहीं अलग अलग रास्तों से अगर आप मस्जिद को टारगेट बनाकर मुसलमान और हिंदुओं में नफरत की भावना भड़काकर इस तरह से लोगों में फसाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जो भी समाज के अंदर इंसाफ करने वाले लोग हैं, इंसाफ चाहने वाले लोग हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि ये ज्ञानवापी मस्जिद का मसला नहीं, ये भारत की अखंडता का मसला है, ये भारत के शांतता का मसला है, ये भारत के पुरअमन रहने का मसला है। इसलिए जो भारत को अखंड देखना चाहता है वो रोड पे आ जाए, जो भारत में अमन चाहता है वो रोड पे आ जाए, जो भारत का प्रेम बाकी रखना चाहता है वो मुसलमानों के साथ सारे समाज मिलके हम बार आए और दुनिया को बता दें कि हम भारत से प्यार करते हैं, दो चार टक्के के विचारधाराओं से नहीं, हम भारत से प्यार करते हैं, आरएसएस से नहीं, हम भारत से प्यार करते हैं, सावरकर से नहीं, हम गांधी के मानने वाले हैं, दुश्मनों के नहीं। और यही आदेश आज के इस प्रोटेस्ट के जरिए हम बताना चाहते हैं कि अगर आपको हमारे खामोशी का मतलब बुजदिली नजर आता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के वक्त मुस्लिम समाज खामोश था, तो सुनो अब ये जागरूक हो चुका है समाज। पहले तो हमने भरोसा किया था कि हमारी अदालतें इंसाफ करेगी और वो जो फैसला करेगी हमें मंजूर है। परभनी एसडीपीआई कन्वीनर रफीक इनामदार थे हमारे साथ में, जिन्होंने अभी जो आज आंदोलन हुआ है एसडीपीआई के जानिब से, ये पूरे देश भर में आज ही के दिन 17 मई को देश भर में हुआ है, उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद के जो अभी विवाद हाल ही में जिसको भड़काया जा रहा है, जिससे दो समाजों में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश की जा रही है और जो मूल मुद्दे है हमारे देश के उसको बाजू में रखा जा रहा है, लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, पेट्रोल 130 रुपये लीटर खरीदा जा रहा है, डीजल महंगा हो चुका है, गैस महंगा हो चुका है, और इन तमाम महंगाई और बेरोज़गारी के मुद्दों को बाजू में रखने के लिए मंदिर मस्जिद के मुद्दों को सामने लाकर देश का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप एसडीपीआई कन्वीनर इन्होंने लगाया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। हेलो, वेलकम टू डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस, इंडियाज़ बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में, तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। एनरोल नाउ इन सैयद बायोलॉजिकल क्लासेस, फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248।